हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन जॉन प्लस। माय नेम इज आयुष और आज मैं आपको जेई मेंस के प्रीवियस है जो क्वेश्चन आज आ गए हैं मैं उनको डिस्कस करेंगे और सबके आंसर्स मैं आपको थोरली बताऊंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो गारंटेड इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। पर फ्रेंड्स, जनवरी एग्जाम बहुत ईजी था इसलिए आपका जो अप्रैल वाला एग्जाम है वो बहुत थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ थ्योरी पढ़िए, मोटी मोटी मेहनत होइए और अपनी स्टडी को हार्डली करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ जो लिथियम मैग्नीशियम दोनों के दोनों एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और डायगोनल रिलेशनशिप में, पर आपके पास क्या रखा है कि किन में से ये इनकरेक्ट मेथड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बोल रखा है कि बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। फ्रेंड्स, ये गलत बात है, ये कार्बोनेट फॉर्म नहीं करते। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मैग्नीज, बिकॉज वी गेट मैग्नीशियम कैन फॉर्म, मैग्नीशियम फॉर्म करता है कार्बोनेट्स, बट हमारे पास जो लिथियम है वो कार्बोनेट को फॉर्म नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है बट लिथियम नहीं करता, इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, दोनों फॉर्म करते हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए हमारे पास मैग्नीशियम फॉर्म कार्बोनेट वाइल लिथियम कैनोट। सो यहाँ पे दोनों क्या रखे हैं, तो ये बात गलत है, हमें इनकरेक्ट शो करना था तो हमने इनकरेक्ट शो कर दिया कि दोनों के कार्बोनेट्स, दोनों बेसिक कार्बोनेट फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, विकेट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि अ वाटर सैंपल हैज पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन लेवल कंसेंट्रेशन है फ्लोरीन की, SO4 नेगेटिव की और नाइट्राइट की है। तो फ्रेंड्स, आपको एनाइंस और एनाइंस दिए हैं जो हमारे पास वाटर सैंपल को अनस्टेबल ड्रिंकिंग के लिए कहां बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अनसुटेबल ड्रिंकिंग जो होती है हमारे पास फ्लोरीन पे होती है। क्यों फ्रेंड्स? ये भी आपको मैं बताऊंगा, बड़ी इजी बात, क्योंकि फ्रेंड्स जो मिनिमम फ्लोरीन की जो होती है, हमारा मिनिमम लिमिट फ्लोरीन की हमारे पास 1.5 ppm होती है। तो फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने, द मिनिमम लिमिट ऑफ फ्लोरीन इज 1.5 ppm, इसीलिए हमारे पास फ्लोरीन को हम लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हॉटेस्ट रीजन बुनसेल फ्लेम का, ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, ये फोर्थ रीजन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो बुनसेल फ्लेम का दूसरा रीजन होता है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे पास सेकंड रीजन होता है वो प्राइमरी कंजप्शन जोन प्लस हॉटेस्ट जोन को करता है। तो फ्रेंड्स, जो ये होता है वो प्राइमरी कंजप्शन बॉन्ड, बिकॉज वी गेट प्राइमरी कंजप्शन जोन एंड प्लस वी गेट प्राइमरी कंजप्शन जोन एंड हॉटेस्ट जोन, तो दोनों को करता है, हॉटेस्ट जोन को भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक बात लिखी गई है, आपको नोट करके समझनी है, वो दिमाग में डालनी है कि जो कैल्शियम होता है, ऑप्टेन होता है, मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CaCl2 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बात समझ आनी चाहिए ये वाली। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वोटर के लिए फॉल्स है। तो ये वोटर के लिए फॉल्स फ्रेंड्स कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट इसके लिए फॉल्स है जो आपको डिस्कस कर रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वॉटर इज फॉल्स। सो वॉटर कैन एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस, ये कहता है फ्रेंड्स, आइस फॉर्म बाय हैवी वाटर, ये भी होता है, बट वॉटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, बट वहां पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, गलत बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहां पे है। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी है, कंसेंट्रेशन आपको फ्लोरीन की, लेड नाइट्रेट की, आयरन की, आयरन इन वॉटर में दे रखी है, आयरन वॉटर में, और सैंपल फ्रॉम आयरन से। तो फ्रेंड्स, आपको सैंपल फ्रॉम आयरन भी दे रखा है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अनस्टेबल ड्रिंकिंग के लिए हाई कंसेंट्रेशन पे। तो फ्रेंड्स, आपको कब पता होगा कि हाई कंसेंट्रेशन जो होता है वो हम नाइट्रेट को करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट जो हमारे पास होता है, वी गेट नाइट्रेट क्योंकि वाई, हम नाइट्रेट को क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि दिस इज अनस्टेबल ड्रिंकिंग ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, हाई कंसेंट्रेशन किसकी होती है, नाइट्रेट की होती है। अब इसमें आप बताएंगे कि द मेन ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम द कंबशन लीना करे रफ से फरियाद हमने बनाया था। तो सबसे पहले आपके पास एल आई, ये विगवियर दिस एल आई टू ओ एन ए ओ टू और के ओ टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीट हो सकता है, रिपीट हुआ भी है, तो आप इसको करके जाएं जरूर, जिससे आपको पता लगे कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैसे हुआ है देखो, अगर मैंने ट्वाइस टाइम लिया सोडियम का और ट्वाइस टाइम सोडियम का मैंने उसको क्रिएक्ट किया और ऑक्सीजन से, तो जब मैंने ट्वाइस टाइम उसको किया, उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या हुआ, Na2O, सो O2, और जब मैंने K plus O2 से किया तो मेरे पास क्या बना फ्रेंड्स, KO2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या हुआ है कि LiO2 plus NaO2 plus KO2, ये इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेवंथ क्वेश्चन, कौन सा इनमें से हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन थैल्पी है। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमारे पास जो है स्कैंडियम की हाई आयनेशन थैल्पी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह क्यों होती है, क्योंकि पोर शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है, पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से शायद हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इसका आंसर स्कैंडियम है। कौन सा मटेरियल सोलर सेल के लिए फ्रेंड्स आपने सेमी कनेक्टर पढ़ा होगा कि सिलिकॉन ही होता है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए सेमी कनेक्टर के लिए कौन सा प्रिपेयर होता है, सिलिकॉन। फ्रेंड्स वी गेट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जो क्वेश्चन मैं आपको कह रखा है कि H2O2 रिएक्शन में क्या शो करता है, KClO4 के साथ और NH2OH के साथ क्या करता है, ये 2014 जे एडवांस में आ रखा है, तो आपके पास पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में ही शो करता है फ्रेंड्स। इन दिस बीकन शोज, आप इसकी इक्वेशन लिख के देखेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आपको पता लग जाएगा। एक सोडियम सोल्ट है जो अननाउन एनायंस ट्रीट करता है MgCl2 और वाइट पीस प्लेट देता है बॉइलिंग पे, तो फ्रेंड्स वो हमारे पास क्यों देता है वाइट पीस प्लेट, उसका एनायंस क्या होगा, विच एनायंस, तो आपको क्या पता, सोडियम सोल्ट है तो फ्रेंड्स VHCO3 नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। वी गेट 11th क्वेश्चन, एक डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइज ड्यूरिंग द यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करा, वी गेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को, तो और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आपने वहां पढ़ा होगा, ये फ्रेंड्स हमारे पास उसमें भी है, जो आप जनरल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स, कि ऑक्सीजन गैस गेट प्रोड्यूस एट एनोड, उसके आप उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। कौन सा स्पीज जो परोक्साइड आयन कंटेन नहीं कर रहा है, ये तो परोक्साइड आयन कंटेन करता ही नहीं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल क्या है फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, ठीक है फ्रेंड्स। मेटालिक लस्टर कोकोन एग्जिबिट करता है क्यों, बिकॉज ऑस्किलेशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी गेट NO2 कौन नहीं हमारे पास देता, कौन NO थ्रू NO3 को, 14th क्वेश्चन, कौन हमारे पास NO3 को नहीं देता है, तो फ्रेंड्स हमारे पास कौन नहीं देता, वी गेट लेड PbNO3 ट्वाइस, ठीक है फ्रेंड्स, और विद द ऑक्साइड दैट गिव H2O2 ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा ऑक्साइड है जो H2O2 की ट्रीटमेंट पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये NONa2O2 देता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला। सो आपको पता होना चाहिए ग्लैबुलर सोल्ट, तो ग्लैबुलर सोल्ट भी है जो आपको Na2SO4 10H2 होती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और सोल्ट का नाम लिखवाऊंगा जो आप उसको भी याद रख सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट सोल्ट है विकेट KIE, तो फ्रेंड्स ये है KIESERITE, KIESERITE केसराइट सोर्स, फ्रेंड्स ये केसराइट सोर्स बहुत बार रिपीट हुई है और हो भी सकती है, तो अब याद रखें मैग्नीजियम प्लस 7H2 हो, ये आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है MgSO4 प्लस 7H2O, ठीक है। हैवी हैवी वाटर क्या होता है, D2 होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम से, ठीक है फ्रेंड्स। एक सोडियम मेटल जो लिक्विड में अमोनिया स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स हमारे पास, ये सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और टेम्पररी हार्डनेस किसकी रिमूव होती है, CaOH2 की वजह से रिमूव होती है। कौन सा एलिमेंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है, उसकी हाई हाइड्रोजन थैल्पी है देन लेटेस्ट एंथैल्पी से, तो BeSO4 की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट, कौन सी ऑक्सीस्टेट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रोडक्ट रिएक्शन BaO2 के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखो BaO2 जो मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन BaO2 के साथ रिएक्ट कराई, BaO2 की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई, डाइल्यूट में है ये, तो आपके पास क्या बना H2O2 बना हाइड्रोजन परोक्साइड एंड वी गेट BSO4, इन दोनों की आप निकालेंगे ऑक्सीडेट तो निकलेगी आपके पास -1, वी गेट -1 एंड -2, समथिंग यही निकलेगी आपके पास -1 एंड -2, तो फ्रेंड्स एक बार चेक करते हैं कि -1 और -2 कैसे करते हैं, तो देखो हम कैसे इसको चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं इसको कि क्या निकलेगी, -1 -2 निकलेगी, तो फ्रेंड्स ये नहीं निकलेगी हमारे पास, ये निकलेगी दिस, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन क्या आप लोगे -2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आप लोगे 1, तो उसी के हिसाब से चेक करोगे तो -2 यहाँ मिलेगा और -1 वहाँ मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।